नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल धड़फड़े महाजनी आज आपसे बात करूंगी फैटी लिवर के बारे में। मैं हिपेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट हिपेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और जिया एंडोस्कोपी की डायरेक्टर के नाते सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में काम करती हूँ। ये फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर में लिवर में फैट जमना शुरू होता है और इसके अनेक कारण रहते हैं। यह समस्या शुरू में बहुत मामूली हो सकती है, पर जैसे टाइम बीत जाता है ये फैटी लिवर की समस्या बहुत गहरा रूप धारण कर सकती है और लिवर में ऐसे बदलाव ला सकती है कि जिनकी वजह से लिवर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि फैटी लिवर होता क्यों है, उसके कारण क्या है और उसको ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है और ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो सब हमारे हाथ में है। तो चलो देखते हैं पहला मुद्दा कि फैटी लिवर के कारण क्या क्या होते हैं। ये फैटी लिवर कॉमनली 30% लोगों में दिखाई जाती है और वैसे देखा जाए तो बच्चों में भी फैटी लिवर का प्रमाण होता है और वो करीबन 5 से 10% तक बच्चों में ये फैटी लिवर दिखाई जा सकती है। स्पेशली जो बच्चे बहुत मोटे होते हैं या उनको कोई बीमारियां होती है क्रॉनिक स्वरूप की, उनमें ये फैटी लिवर का प्रमाण ज़्यादा होना स्वाभाविक रहता है। और जब कारण देखते हैं फैटी लिवर के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज यही है कि अल्कोहल जो सेवन करते हैं वो, यदि अल्कोहल सेवन करने का प्रमाण बहुत हद से बाहर ज़्यादा हो गया तो फैटी लिवर बहुत कॉमनली होती है। और ये जो लोग रहते हैं जो अल्कोहल का हमेशा सेवन करते हैं, उनके उनमें 90% से ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है। ये प्रमुख कारण है। उसी के साथ साथ जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल बदली है उसी का नतीजा है कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये मोटापे वाली जो लोक संख्या है या जो लोग हैं उनको मोटापा है, इनमें फैटी लिवर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि यही लोग हैं जिनको डायबिटीज़ भी हो सकता है, उनको लिपिड की भी बीमारियां हो सकती है और ये सारा इकट्ठा लिवर पे असर करके लिवर में फैट जमना शुरू हो जाता है। तो ये एक मेटाबॉलिक चेंज, इसीलिए ये जो बीमारी है उसे आजकल मैफल्ड बोलते हैं, जैसे मेटाबॉलिकली डीरेंज्ड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे हम काबू में रखें और ये भी जानना ज़रूरी है कि ये बिगड़ने से कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट इसके जो कॉजेज है जिनमें और कई लिवर की बीमारियां ऐसे होती है जो मेटाबॉलिक होती है, जैसे विल्सन्स डिजीज या हाइपरलिपिडेमिया एसोसिएटेड लिवर डिजीज, या तो कोई वायरस के इन्फेक्शन रहते हैं जो लिवर को बिगाड़ सकते हैं और जिनमें फैटी लिवर की समस्या दिखाई जा सकती है, जैसे हेपेटाइटिस सी या अन्य कारण फैटी लिवर के हो सकते हैं। कई बार हमें कोई मेडिसिन चलती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई रूमेटिक डिसऑर्डर के लिए कोई स्टीरॉइड्स ले रहा है काफ़ी समय तक, तो इन लोगों को भी फैटी लिवर हो सकती है। और कोई अन्य मेडिसिन रहते हैं जिसे मेथोट्रेक्सेट बोलते हैं या और कोई कीमोथेरेप्यूटिक मेडिसिन रहते हैं, कि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा टाइम तक सेवन करने के बाद फैटी लिवर की समस्या होती है। इसी के साथ साथ कई ऐसे सर्जरियाँ होती हैं कि जिनमें इंटेस्टाइन का कोई हिस्सा निकाला जा सकता है, तो इन लोगों को भी फैटी लिवर हो सकती है। या तो कोई मरीज़ बहुत लंबे तक कोई ट्यूब फीडिंग पे हो, या तो कोई नस में से जिसे फीडिंग मिल रहा है, ये इन लोगों में फैटी लिवर हो सकती है। पर आज हम बोलने जा रहे हैं जो फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, या तो जो कॉमन सोसाइटी में जो दिखती है फैटी लिवर, उसी के बारे में हम बोलने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो फैटी लिवर है ये प्रिवेंटेबल है और ये हमारे हाथ में है कि इसे प्रिवेंट कैसे करें, दूर कैसे रखें। तो चलो देखते हैं कि ये फैटी लिवर प्रेजेंट कैसे होता है। बहुत कॉमनली फैटी लिवर के कोई भी सिम्टम्स आते नहीं है, तो आप बोलोगे बहुत डिफ़िकल्ट है फिर, इसलिए हमें जानकारी रखना और उस फैटी लिवर ना हो करके कोई इन्वेस्टिगेशंस करना और उसी के बारे में
जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इनके इन्वेस्टिगेशंस ये है कि सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट या तो एक ब्लड टेस्ट है जिसमें समझ में आता है कि अपने लिवर के एंजाइम्स काबू में है या नहीं। तो पहला लक्षण ये दिख सकता है कि ये लिवर एंजाइम्स बढ़ना शुरू होना है। और दूसरा सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है सोनोग्राफी, पेट की सोनोग्राफी, इसमें ये फैटी लिवर का होना पकड़ में आता है। और इसी के अलावा कोई अन्य इमेजिंग जो है जैसे सीटी स्कैन है, MRI, इसमें भी फैटी लिवर का पकड़ना बहुत इजीली हो सकता है। इसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी होता है कि ये फैटी लिवर का कोई गलत असर लिवर पे होना शुरू हुआ है या नहीं, जैसे कि लिवर में फाइब्रोसिस होना या तो लिवर का आगे चल के कोई डिजीज़ होना। इसके लिए आजकल लिवर इलास्टोग्राफी है, फाइब्रोस्कैंस है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमें बताती है कि लिवर में फाइब्रोसिस होना शुरू हुआ है या नहीं। ये फाइब्रोसिस से हम इतना घबराते क्यों हैं? फैटी लिवर रिवर्सिबल है, परंतु फैटी लिवर की वजह से यदि फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया है तो ये फाइब्रोसिस कम्प्लीटली इरिवर्सिबल होता है आगे चल के, और यही आगे चल के सिरोसिस में रूपांतरित करता है लिवर को। इसलिए फाइब्रोसिस है या नहीं वो भी जानना ज़रूरी है। अभी चलो देखते हैं, हमने देख लिया कि फैटी लिवर क्यों होती है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जैसे सिरोसिस होता है मैंने आपको बताया, सिरोसिस के साथ साथ लिवर कैंसर का भी कॉज फैटी लिवर हो सकती है। तो ये फैटी लिवर जब भी सिर्फ फैटी लिवर के रूप में है तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती है, पर आगे बढ़ के ये सिरोसिस में लिवर का रूपांतर हो सकता है या तो लिवर को कैंसर हो सकता है, और ये चीज़ें बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है और हमारे जीवित को धोखा पहुंचा सकती है। इसलिए फैटी लिवर ये रूप में ही उसको मिटाना है या जानना है कि वो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। चलो अभी देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। फैटी लिवर जैसे मैंने बताया कि अपना जो डीरेंज्ड या तो ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल है ये मूल कारण है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो दिनचर्या है उसमें एक डिसिप्लिन आना चाहिए, उसमें एक काबू होना चाहिए कि हम हर एक चीज़ टाइम टू टाइम करेंगे, स्पेशली खाना, एक्सरसाइज, ये चीज़ें हर दिन करना, टाइम टू टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी नींद भी अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि अपने शरीर को समय मिले कि वो जो कोई चोट आई है उसको रिपेयर करे। तो तीन अहम चीज़ें हैं, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और वेट लॉस। ये त्रिसूत्री जो है, ये त्रिसूत्री हमें फैटी लिवर से छुटकारा पाने के लिए मदद कर सकती है। जो डाइट है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि डाइट का क्या महत्व है लिवर के मरीजों में, इतना सिंपल बात ध्यान में रखनी है, जितनी हम वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, जितने फ्रूट्स ले लेंगे, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, जिसमें ना कोई बहुत तली हुई चीज़ें हैं, ना कोई स्टोर्ड फूड है, ना कोई रेडी टू ईट फूड है जिसमें ट्रांसफैट्स होते हैं, ज़्यादा चिप्स है, बर्गर्स है, या तो ज़्यादा फास्ट फूड है, ये सारी फूड आइटम्स हमारे लिवर को चोट पहुंचाती है और लिवर में फैटी लिवर होना, फैट जमना शुरू करवाती है। इसलिए ये सारी चीज़ों से दूर रहना है और जो हमारा पूर्ण संतुलित आहार जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा हो, ये ऐसे वाला डाइट हमें चुनना है और ये हर दिन चुनना है। ऐसे नहीं है मैं एक 7 दिन में डिटॉक्स कर रही हूँ लिवर को और 7 दिन के बाद में दोबारा मुझे जो चाहिए वो खाना शुरू कर दूंगी, ऐसे नहीं है। ये जो डिसिप्लिन है ये पूरे लाइफ भर रखना है ताकि हमें हमारे लिवर को कोई चोट ना पहुँचे। उसके साथ साथ एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है और ये एक्सरसाइज एरोबिक स्वरूप का एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, जिसमें तेज़ी से चलना या तो दौड़ना या तो स्विमिंग करना या तो साइकिलिंग करना, ये एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि यही जो हमारा डिसिप्लिन लाइफ है इसमें हमें वेट लॉस भी करना बहुत आसान हो जाएगा। 10% वेट लॉस यदि हम करते हैं तो ये फैटी लिवर रिवर्ट होता है। यदि हम हमारा कैलोरिक कंटेंट डाइट का 700 या 1000 कैलोरीज से कम करते हैं तो हमें वेट लॉस होने में भी मदद होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी सुधरता है और हमें फैटी लिवर से भी छुटकारा मिलता है। और एक बात
जान लो कि ये सारी चीजें ओवरनाइट होने वाली नहीं है। यदि आज मैं डिसाइड करती हूँ तो मेरे अच्छे कर्मों का जो कोई रिजल्ट आने वाला है वो 3 महीने के बाद या तो 6 महीने के बाद आएगा, पर मुझे आज से शुरू करना है ताकि जो फैटी लिवर हो रहा है वो रिवर्ट हो और आगे चल के लिवर में कोई समस्या ना रहे। यदि आपको कोई और फैटी लिवर के बारे में जानना हो या आपके दिमाग में कोई सवाल उठता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो डाल दीजिए, मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।